नमस्ते, मेरा नाम उज्जवल है। आप देख रहे हैं गार्डनर दोस्त। आज आपको बताएंगे घुमफरेना लगाने की विधि। वैसे तो घुमफरेना भगवान गणेश को भी चढ़ता है, इसलिए ज़्यादातर ये दीपावली के समय ही लगता है, लेकिन आप इस समय भी लगा सकते हैं। ऐसे ये सालों भर का प्लांट है, एक बार लगा दें तो इसका सीड झड़ते झड़ते आपको बहुत सारा प्लांट बनते रहेगा। आपको दोबारा लगाने की आवश्यकता तो नहीं होगी, लेकिन आप घुमफरेना लगा सकते हैं। इसमें हमारे पास जो है ये दूसरा वेराइटी है, इससे पहले लाल वाला भी था मेरे पास, लेकिन वो मुझे नहीं पता कैसे वो खत्म हो गया। यहाँ का काम हो रहा था तो उसी खत्म हो गया फिर, लेकिन अभी ठीक है, आप अभी लगा सकते हैं। ऐसे मेरे पास ये वाला भी है, ये वाला इसी साल लाया था, लेकिन ये रूट रॉट ज़्यादा होता है, इसमें पानी ज़्यादा लगने से ये सूखने लगता है। आप इसका प्लांट लगा सकते हैं, आपको इसका प्लांट वही 2 या 3 रुपये में मिल जाएगा, या आप किसी के घर में देखे तो उसको सीड वाला जो ऊपर वाला होता है वो तोड़ लें। ऐसे ऊपर वाला तोड़ लीजिएगा तो उसके बाद वो प्लांट आपने आप 2-4 दिन 5 दिन में वो जन्मने लगेगा। अगर वो उसे आप गमला में रख लीजिएगा तो ऐसे इसके लिए 12 इंच वाला गमला में एक ही प्लांट लगाए तो और भी खुशी बनेगा। ज़्यादा प्लांट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये पेरिनियल आप एक तरह से समझ लीजिए सालों साल चलने वाला प्लांट है, इसमें ही इसे रखिए परमानेंट प्लांट में। काहे कि ठंड में भी इसका फूल आता है, इसका फूल आप तोड़िए नहीं, इसका फूल 1 महीना 1.5 महीना तक फूल रहता है, जैसे सकुलेंट का रहता है, सकुलेंट की तरह ये लगता है, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। इसमें अभी मेरे पास इसमें 100 या 150 फ्लावर होगा, इसमें हमने वर्मी कंपोस्ट सिर्फ दिया था। ऐसे तो हम ज़्यादातर गार्डन में ही प्लांट लगाते हैं, इसीलिए वर्मी कंपोस्ट ही सिर्फ इसमें दिया हुआ है। और देखिए ये कितना अच्छा प्लांट बन गया है, इससे पूछी ज़्यादा लाल वाला जो है वो थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन लाल वाला अभी तो है नहीं, अगर नर्सरी जाएंगे तो मिल जाएगा तो भी ले आएंगे, लेकिन ये वाला भी बहुत अच्छा है, ये वाला प्लांट तो और भी अच्छा है। ऐसे ही इसका प्लांट लगाने के लिए आपको 1 12 इंच वाला गमला लें, उसमें 75% मिट्टी और 25% वर्मी कंपोस्ट मिला के, अगर मिट्टी के 1919 है या जो खाद है वो ये आधा आधा चम्मच दे के आप बना सकते हैं। इसे आप रोज़ाना पानी देने की आवश्यकता तो उतना नहीं होती है, लेकिन दे रोज़ाना, सिर्फ बारिश के पानी से बचाएं, मतलब बारिश ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें शुरू में, बाद में हो तो उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है उतना। ये हार्डी प्लांट है, एक बार लगा दीजिएगा उसके बाद 20 झड़ते झड़ते आपको कभी सूखने का आवश्यकता नहीं होगा। हाँ वही ख़त्म हो जाए, मतलब आप प्लांट को एकदम काट दीजिएगा और एक भी बीज इधर उधर नहीं फेंकिएगा तो गड़बड़ है, तो ये प्लांट नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे ही इसे 12 घंटे की धूप की आवश्यकता, मतलब जितना देर धूप हो धूप में ही रहने वाला प्लांट है। इसे आपको वही, अगर इसमें तो कोई एफिड या कोई भी चीज़ का कीट का अटैक नहीं होता है, लेकिन आप देख लें आपके तरफ क्या होता है, मेरे तरफ तो नहीं होता है उतना, इसलिए इसमें नीम ऑयल का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। ये भगवान गणेश और लक्ष्मी को चढ़ने वाला फूल है, इसलिए इसे ज़्यादातर गणेश पूजा में यूज किया जाता है। ऐसे भगवान शंकर को भी इसका फ्लावर चढ़ता है, इसलिए घुमफरेना का फ्लावर तो ज़रूर लगाना चाहिए। इसमें सुगंध नहीं होता है, यह ना समझे जो इसमें सुगंध होता है, इसमें सुगंध नहीं होता है, लेकिन यह बहुत अच्छा देखने में लगता है। ऐसे मेरा भी अंजीर का इससे पहले वीडियो बनाए थे, आप देख लीजिए पहले, अब वो अंजीर फरने लगा है, मतलब 1 महीना के अंदर में ही हमारा प्लांट फरने भी लगा है, उस पर भी वीडियो बना देंगे फिर जब पकेगा तो। ऐसे ये घुमफरेना का आप ज़रूर लगाएं, घुमफरेना एकदम अच्छा प्लांट है, आप जितना इसका प्लांट 2, 4, 5, 10 जितना लगाना चाहें लगा सकते हैं, जितना गमला में चाहें। अगर गार्डन में लगा रहे हैं तो एक जगह ही लगाएं सबको, अगर एक जगह लगाइए तो लगेगा जो बंच में फ्लावर आ रहा है जैसे गुलदस्ता की तरह, और इसका फ्लावर बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम एक ही कलर, ऐसे तो अमेजन या कहीं देखिएगा तो 2-3 कलर मिल जाएगा। ऐसे ही तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद। मैं उज्जवल।